बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय बहुत सारे लोग, और मैं हूं वसीम बादामी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुकाबला था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जारी है। वैसे तो हमारा कौमी खेल हॉकी है, तो मैं समझता हूं कि हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये वैसे ही कि हम अपने खेल को क्यों ना प्रमोट करें, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप हो रहा है तो हमने भी इत्तेफाक से उसी पे लेके जा रहे हैं, उसी पे लेके जा रहे हैं ना। खवातीन हज़रात, बात यह है, ये वाकई ऐसा मरहला है कि जिसमें यह तय करना मुश्किल है कि इसमें हंसा जाए या रोया जाए। गेम है, हार और जीत खेल का हिस्सा है। एक बात तो है कि मेरी अपनी राय है, गेम मेरे और आपके लिए है भाई। जो खेल रहे हो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो उनका काम है खेलना। मैं और आप ये कह सकते हैं गेम है, वो ये नहीं कहते ओ यार गेम है, चलो कुछ भी हो जाता है। नहीं, दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि आप फरिश्ते हैं, आपसे गलती नहीं हो सकती, आप कभी ना हारें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई, लड़के तो हारे, अफगानिस्तान से तो ना आ रहे हैं यार, ये तो ना करें, ये सब तो कम से कम। और अभी भी मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे कोई गालियां निकालें, बदतमीजी करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई, कोई तनकीद मतलब इजाजत तो है ना, कोई इतना तो कोई नहीं हो सकता ना कि किसी पे तनकीद ही ना हो सके। तो बहरहाल, अ वेरी सैड डे आई वुड से फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान। इवन अगर हम फाइनल में पहुंच भी जाएं, अल्लाह करे पहुंच जाएं, फाइनल में पहुंच जाएं, वर्ल्ड कप जीत जाएं, तो भी मैं कहूंगा कि ये कोई अच्छा दिन नहीं आज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला था, तफसील से हम करेंगे बात। लेकिन अगर मैच समरी देख सकें, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 282 रन बनाए पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हुए। वो तो आखिर में इफ्तिखार ने, शादाब ने कुछ रन चला दिए, वरना इतने रन भी ना बन पाते। बाबर ने बनाए 74 रन, लेकिन इन 74 रन के लिए उन्होंने 92 गेंदों का सहारा लिया। अब्दुल्ला ने बनाए 58 रन, उसके लिए उन्होंने 75 गेंदों का सहारा लिया। और इफ्तिखार और शादाब ने अच्छी इनिंग्स दी, 40-27 में, 40-38 में। लेकिन अभी हम तफसील से बात करते हैं, लेकिन इन शॉर्ट, अब आप ये देखिए, ये आप हमारे भाई, दोनों टीमों ने एक ही पिच में मैच खेला है, ये मैं आपको बता दूं। ये ना आपको ये देख के लगे कि एक मैच अलग पिच पे हुआ है, एक इनिंग अलग पिच पे हुई और एक दूसरी पिच पे हुई है। इसी ग्राउंड पे इब्राहिम ने 87 किए हैं, और रहमत ने 77 किए 84 गेंदों पर, गुरबाद ने 65 किए 53 गेंदों पर, हर्षवर्द ने 48 किए हैं। बहरहाल, अफगानिस्तान ने बआसानी आज का ये मैच जीत के पाकिस्तान को शिकस्त दी है। आज से पहले तारीख में कभी अफगानिस्तान ने वनडे में पाकिस्तान को नहीं हराया। और साथ ही मैं ये नहीं कह रहा, रोजाना ही कहता हूं कि इफ्स एंड बट्स ऑफ कोर्स हैं इसमें, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है मेरी राय में कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक रसाई का सफर मुश्किल जरूर हो गया, टू से द लीस्ट। यानी नामुमकिन नहीं हुआ है, मैं भाई 500 मरतबा और कहता हूँ, नामुमकिन नहीं हुआ है, लेकिन मुश्किल जरूर हो गया है मेरी राय में। क्या कहिएगा इसमें, ये क्या आज सर, क्या कहें मैं ऑनेस्टली बताऊं, एज ए क्रिकेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि जब नीते ठीक नहीं ना हो तो ऐसी परफॉर्मेंस आती है। वो रिजल्ट सामने नज़र आ गया। जब आप किसी का रास्ता रोकेंगे अपनी मर्जी से, आप खुदा बन जाएंगे क्रिकेट के, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे। और आपने पाकिस्तान की टीम समझ के नहीं चलाई, ये अपनी घर की टीम समझ के चलाई है, जिन्होंने ये मैनेजमेंट रखी है। जो प्लेयर जिनके हाथों में क्रिकेट थी, वो समझ रहे थे हम क्रिकेट से बड़े हैं, जो ये नजर आया। तो मेरे ख्याल से शर्मनाक हार है हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। और नाजी, मैं ये बता दूं, मैं एक बात की गवाही दे दूं, ये ऐसा नहीं, अगर आप लोगों को लगे कि अब जी हार गए तो ये कहेंगे, मैं एक बात की गवाही देता हूं। कल इस शो के बाद हम खाना खा रहे थे, तब कामरान भाई ने कहा, बाकी लोगों की भी राय थी, और कामरान भाई ने तब कहा मुझसे, कहा कि यार हम किधर ले आए टीम को, कि आज हम इस पे एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं कि कल अफगानिस्तान से मैच है, जीतेंगे या हार जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही खैर करे। ये कल रात की बात है। तो यही वजह है, सिर्फ ये मैच नहीं, आप देखें कि ये टीम यूज टू है ऐसी टीमों से हारना। आप देखें, एक रात पहले टीम बनती है 3-0 हो जाता हमें, जिम्बाब्वे से हम लोग हारे हुए हैं, अफगानिस्तान से हमें 3-4 मैच हारने चाहिए थे। आखिर से दो मैच तो नसीम ने हमें जितवाए हैं लास्ट विकेट पे आके। तो हमारा स्टैंडर्ड नीचे गया, वो टीम का स्टैंडर्ड हमारे से ऊपर चला गया, जो पाकिस्तान में रह के कैंप करके गए हैं, हमसे सीख के गए हैं, हमारे कोचिज उनके साथ काम किया उन्होंने, हमारी एनसीए रह के गए, 3 महीने का कैंप लगा के गए अर्ली ऑन। उस टीम से हम वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं, पहली विक्ट्री वो जीते हैं वर्ल्ड कप की पाकिस्तान से। क्रेडिट तो देना चाहिए पूरी टीम को, मुबारकबाद, लेकिन हम लोग गंदा खेल रहे हैं, हमें
क्रिकेट जैसी खेलनी चाहिए थी वैसे खेली नहीं। हम 90 की बात करते हैं ना, आज जैसे बैटिंग हुई है ना, हाँ। 80 की हमने की है बैटिंग। अच्छा, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, हम पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने हॉकी को हमारे डायरेक्टर आके कहते हैं दिस इज आवर वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट टू टेक इट डीप एंड देन फला पता नहीं क्या। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आज विकेट देखे कितनी समझदार मैनेजमेंट, हम पाकिस्तान में कह रहे थे क्योंकि पिछले मैच 230-240 में टीमें आउट हुई हैं, आज उनके मेन स्पिनरों ने आउट नहीं किए, कोई ऐसा ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, हाँ। तो हमारे बैट्समैनों का वही माइंड सेट था कि हम 240 या 250 करें तो हम मैच जीत जाएंगे। सही है। ये नहीं सोच रहे थे कि हमारी बॉलिंग ने 350 करवाया, पौने 400 करवाया हुआ, हमने बैट्समैनों ने वही माइंड सेट वही इंटेंट के साथ, अभी हमने 5 ओवरों में 60 रन किए तो तेज तो यहाँ तक पहुंचे, अच्छा आराम से खेलने हैं तो उन्होंने इतना आराम से किया है। बासित भाई ये बहुत मासूमाना बात होगी ना अगर हम कहेंगे ना जी ना देख मैच हुआ, देखिए क्रिकेट है, देखिए कोई भी जीत सकता है, आज अफगानिस्तान का जिंदा वो जीत गई, तालियां बजाते हैं घर चले हैं। भाई ये एक दिन की दास्तान तो नहीं है ना, ये जो बिड़ा करके है, कहां से शुरू करूं कहां पे खत्म करूं। कल इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी, यस खान साहब आए हुए जी जी, आपने मुझसे कहा था यार ये तो गड़बड़ी ना हो जाए। हाँ पहली चीज हम तो एक मजाक में कर रहे थे बात, लेकिन तकलीफ दे बात बोल रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, क्या ये इंडिया ने दूसरी बारी में अच्छी पिच बनवा दी थी? एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच थी? ओ जी भारत ने देखे क्या कर दिया जी, देखे भारत ने मतलब की पिच बनवाई। हाँ, हाँ, अफगानिस्तान की। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल ही ऐसे ही था ना, बिल्कुल ही। क्या हुआ दूसरी बारी में? उसी पिच पे अफगानिस्तान ने दोनों टीमें खेल रही थी। हाँ। ना उनके स्पिनर्स ने अच्छे बॉल करे, हमारे स्पिनर्स ने अच्छे बॉलिंग करे, हमारे तो फास्ट बॉलर ने भी नहीं करे, वो तो एशिया कप से नहीं कर रहे। हाँ, पहली हाँ। चीज हमारा हेड कोच है, अपना बॉलिंग कोच जो है, उसने जाने से पहले एक बयान दिया था। हाँ, जिसपे मैंने बात भी करी थी, लोगों ने यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। वो क्या? उसने कहा कि मुझे स्पिन बॉलिंग की कोचिंग करनी नहीं आती है और स्पिन बॉलिंग कोच नहीं रखा गया। आपने इस प्रोग्राम में बात भी की थी। सही है ना, नहीं रखा गया। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मिकी आर्थर को $20,000 मिलते हैं एज ए डायरेक्टर, और मौसूफ अक्सर आते भी नहीं है, जूम पे ही निपटा देते हैं। मतलब ये देखे अभी कामी ने बात करी, अफगानिस्तान की जो टीम है उसकी कोचिंग पाकिस्तान के प्लेयर्स ने करी। कौन कौन थे उसमें? यूनुस खान, कबीर खान, उमर गुल, राशिद लतीफ। इस मुल्क में उसकी उनकी जगह नहीं है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये है ना कैमरा मेरा, उनके लिए कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी बनते हैं, जो बोर्ड की बोर्ड में आते हैं एज ए चेयरमैन, जिनकी डिग्री जाली होती है। क्या कह रहा हूँ? डिग्री जाली है। वो इलेक्शन नहीं करा रहे कि मैं बन नहीं पाऊंगा, अपने दोस्तों को नवाज रहे। जूनियर लेवल पे अंडर 19 में उन लोगों को कोचेज लगाए जो रिश्तेदार हैं, और हम उस पाकिस्तान के उसमें ये हरा ब्लेजर पहनते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। तकलीफ दे बात है वसीम भाई। यानी जो बाकी हमारे आम लोगों की समझ के, बाकी सरकारी इदारों का हाल है, बस वही क्रिकेट बोर्ड का हाल है। आप क्या नाम आता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी, जो हुकूमत आती है वो अपना बंदा लाती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो नहीं है ना, जो हुकूमत आ रही है उसका चेयरमैन बन रहा है ना। ऐसे ही पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो लाओ चेयरमैन, यस, जो इलेक्ट होके आ रहा है, नॉमिनेट ना हो। यानी इस क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी का जनाजा पढ़ने के लिए काफी है ना अजहर भाई के, जहां पता हो, मैं नाम ले लेता हूँ सियासी प्रोग्राम का, ओ खान साहब आ गए, मतलब अब ये आएगा, मियां साहब आए, अब ये आएगा, ओ जरदारी साहब तो इसी को लाएंगे। यार जहां बंदा ही जरदारी साहब, नवाज साहब और खान साहब का है, आप क्या होने का? आपको एक चीज और दे देता हूँ, चले अभी जो अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस है ना कजाफी स्टेडियम, वहां पे कोई भी अपॉइंटमेंट होती है ना, तो वहां से आवाज आती है, राहदारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने बोला, बदनाम किया जा रहा है बिलावल भुट्टो साहब के नाम को। या अगर ऐसा नहीं कर रहे तो वो नहीं बोल रहे, हम मुझे पता है वो नहीं बोल रहे, लेकिन नाम उनके लिए जाके साइज हो गया है, उनके नाम लेके लोगों को जॉब दी जा रही है। मेरी तो रिक्वेस्ट है जरदारी साहब, प्लीज जरा इस पे भी नोटिस लें कि आपके नाम यूज किया जा रहा है, आपकी पार्टी को खराब किया जा रहा है। अजहर भाई क्या बात कहीं और निकल गई। आई थिंक ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लॉस है, और जिसको कहे ना कि हम जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है, देखें क्रिकेट खेलने जो टीम होती है ना, वो कहती है यार ये टू मच हो रहा है,
लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स रहते हैं, और ये मैं समझता हूँ ये जो आज की हार है ना, ये काफ़ी देर से इट वॉज कमिंग, यू नो, जैसे सी इट हैपनिंग, और हम यू नो जितना मर्जी कहें हम ऑफ एयर डिस्कस जरूर कर रहे थे, ये मैच उल्टा पड़ता है, लेकिन जिस वजह से कर रहे थे उस वजह से नहीं, हमारे पिच बिल्कुल ठीक खेला आज, जिसको हम जो रिपोर्ट्स में आ रहा था कि इतना इतना टर्न है, विकेट बिल्कुल ठीक था, जिस तरह कामी बे ने कहा जी कि ना मुजीब ने विकेट ली ना राशिद खान ने विकेट ली, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब वो बॉलिंग कर रहे थे हर बॉल ऐसी जगह पे गिर रहा था कि यार ये कुछ होगा, यहाँ पे वो विकेट लेंगे, यहाँ पे वो प्रेशर डाल रहे हैं, जो हमारी बॉलिंग थी एक बिल्कुल मुंह में क्रीज में बॉल गिर रहा है, एक आधी विकेट में गिर रहा है, फास्ट बॉलर तीन गेंद एक जगह पे कर रहे हैं, चौथा गेंद चौके पे खा रहे हैं। आप अफगानिस्तान को आपने स्टार्ट दे दिया, आप सिर्फ बैटिंग पे बात ना करें, आप बॉलिंग पे भी बात करें। हाँ, सही, जो सही। फास्ट बॉलिंग हमारी है वो किस चीज की चैंपियन है, किस चीज की टॉप बॉलिंग, फील्डिंग पे भी बात करें। हम वर्ल्ड कप में जाने से पहले एशिया कप में वर्ल्ड की बेस्ट में मैं भी इसमें शामिल था। हाँ, ठीक, लेकिन शायद हम गलत समझ रहे थे। आज पाकिस्तान को जरूरत थी, जहाँ पे पाकिस्तान टीम को सिर्फ दो तीन विकेटें लेनी थी आपने बस, और वो कोलैप्स हो जाना, दो तीन टीम की प्लेयर थी, बाकी तो नीचे मिडिल ऑर्डर में उनका कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर टॉप थ्री प्लेयर है जो टेक्निकली अच्छे प्लेयर है, हम उनके वही तीनों स्कोर करके, तो मतलब कि आप फिर किस बड़ी टीम से हम कैसे एक्सपेक्ट करें अगले चार मैच जीत जाएंगे, वो तो मौजा ही समझ लेना फिर। आई थिंक हम इस स्टेज पे खुद अपने आप को बचाया हमने, ये आज की बात नहीं है कि यार ये टीम में यकदम हो गई, ये तो पीछे से चलता आ रहा है, जो आप पिछले 6-8 महीने साल, बल्कि कामी भी तो 3-4 साल पे जा रहे हैं, तो ये आप जब वर्ल्ड कप आता है ना तो ये आपकी परफॉर्मेंस 4 साल की काउंट होती है। हाँ ना, इसलिए कि मुझे तो याद पड़ता है, मुझे याद पड़ता है, अभी आप देख लीजिएगा, अल्लाह करे समय ना, मुझे याद पड़ता है वर्ल्ड कप खत्म होता है, अगले दिन बयान आता है अगले वर्ल्ड कप की तैयारी आज से शुरू कर दी है। ओ भाई, तो क्या ये तैयारी है, क्या करते हैं यार। वो मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, जो मैंने भी कामी भाई ने भी नोट किया होगा कि जो हम हैं, हम टप, पंजाबी का वर्ड है टप की टपाते हैं, जो टाप जो आज कल का है ना बस वो कर लो। हाँ, हाँ। कल वाली सीरीज जीत लो, कल वाले कोई लॉन्ग टर्म है ही नहीं, लॉन्ग टर्म है ही नहीं, और हमारे में बर्दाश्त भी नहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। हाँ। लेकिन ये है कि किसी को तो स्टेप लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, हम अब ये लगे रहते हैं कि यार ये अब अगली सीरीज आ रही है ये जीत जाए, हमारी कप्तानी बच जाएगी, हमारी कोचिंग बच जाएगी, सिलेक्शन कमेटी बच जाएगी, चेयरमैन बच जाएगा। और आप कल कहते भी रहे, आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह अगर पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जीत जाएगा कल का मैच, ये क्या हुआ है, ये कोलैप्स क्या हुआ, क्यों हुआ? कोलैप्स नहीं है मेरे नज़दीक, तो ये अपसेट भी नहीं आपके ख्याल। अच्छा, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल अपसेट नहीं है, जो आपकी कैपेसिटी थी वो आपने खेला, जो अगलों की स्ट्रेंथ थी उन्होंने आपको काबू किया। मसला क्या है, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना जहाँ मसाइल में, आपने हॉकी से स्टार्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हॉकी ओलंपियंस हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कड़वा सच है, मुझे फिर भुगतना पड़ेगा इस सच बोलने के की पादाश में, लेकिन मुझे सच बोलना होगा, क्रिकेट को इस नहज पे लाने वाले क्रिकेटर हैं, कोई खलाई मखलूक नहीं आई, किसी और ने फैसला नहीं किया, ये क्रिकेटर्स जो 3-3.5 साल से अपनी मनमानियां कर रहे थे, दोस्तियां निभा रहे थे, अनाबाजी में लगे हुए थे, उन्होंने इस क्रिकेट को यहां तक लेकर आ गए हैं। आज मुझे थोड़ा सा सच बोलने दे, आपको क्या लगता है कि मैं जब बात करता हूं कि जी फलां टीम जीतेगी पाकिस्तान हारेगा तो मुझे क्या अच्छा लगता होगा? खुशी तो नहीं होती होगी, आई एम श्योर। यकीन माने दिल चीर के नहीं दिखाया जा सकता, खून के आंसू रो रहा होता है। मसला क्या है, मैं जब कोई प्रेडिक्शन करता हूं तो बाकी भी हमारे पैनल करते हैं, वो शायद दूसरे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख के करते हैं, मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं पाकिस्तान के मुताबिक वो पाकिस्तान की कैपेसिटी देख के करता हूं कि ये कितने स्किलफुल हैं, इन्होंने जो बीज बोए हैं उनमें क्या करेंगे। अब मुझे देखें ना, मैं आपको 3 साल से ये रोना रो रहा हूं कि भाई ये ऐसा है, ये गलत हो रहा है, उसके नतीजे में मुझे क्या नहीं भुगतना पड़ा, मुझे अगवा करने की धमकियां आई, मुझे मारने की धमकियां आई, गालियां तो रोज का मसला है, मेरी फैमिली को रेप करने की बातें आई, मेरे बच्चों को स्कूल से अगवा करने की बातें आई, मैं कभी FIA में धक्के खा रहा हूं, कभी मैं कहां जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार मेरे साथ ये हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं पाकिस्तान का दर्द रखता हूं, मैंने तो नहीं बाबर आजम की जगह कप्तानी करनी, मैंने तो नहीं हारिथ रऊफ की जगह जाके बॉलिंग करनी, मैंने तो शाहीन की जगह जो है नहीं ले लेनी, मैंने किसी बैटर की जगह नहीं खानी, मैं तो पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ये दोस्तियों के चक्कर में आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ये सारा सच बोलने की पादाश में मुझे धमकियां मिलती हैं, मुझे जो है ना गद्दार साबित किया जाता है, पैसे दे के मेरे खिलाफ मुहिमें चलाई जाती हैं, ये जो पेड एजेंट्स हैं इनके, इन्होंने ये मुहिम चलाई, मेरे खिलाफ माहौल बना दिया कि शुएब जट गद्दार है, शुएब जट बाबर आजम से जलता है, शुएब जट जो है प्रोपेगेंडा करता है, शुएब जट झूठी खबरें लाता है, शुएब जट यूनिटी को बखेर रहा है। यूनिटी देख ली आपने,
आपने देख लिया फिर कि मेरा प्रोपेगेंडा सही था या इनका जो झूठा प्रोपेगेंडा था वो सही था। आज पाकिस्तान टीम जो हारी है इसमें बिल्कुल सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। और आप तो ये बात कर रहे हैं ना मुश्किल है अगले का सफर, मैं आपको अभी से बताता हूं, मैं वर्ल्ड कप से पहले से कह रहा हूं कि ये टीम फाइनल फोर में नहीं पहुंचेगी। अब चाहे कोई आगे कहे जी मुझसे पूछ लेते, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नजर आ रहा है कि ये टीम कहां है। आगे जो आपने मैचेस खेलने हैं उनकी स्ट्रेंथ देखें और फिर आप अपने आप को देखें कि आपने तैयारी की है। खेलना बाकी है अभी, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से खेलना बाकी है, जनूबी अफ्रीका से खेलना है, बांग्लादेश भी आपके गले आ जाएगा। मैं आपको ये बता दूं ये बांग्लादेश भी आपके लिए आसान नहीं होगा। बात यह है कि इस टीम में ये किया गया, मैं एक नाम लेता हूं सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि कामरान मेरे सामने बैठे हैं, उमर अकमल को नेशनल टी20 नहीं खेलने दिया गया इसलिए कि वो परफॉर्म कर देगा तो वो कैंडिडेट बन जाएगा। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मीर हमजा के नए बॉल का अच्छा बॉलर है, उसको आप जो है वो आगे नहीं लेके जाते हैं, अपने दोस्तों का साथ साथ ले लेके घूमते रहते हैं। शाहीन चाफरीदी अनफिट था, आप उनको हर जगह लेकर गए, दुबई लेकर गए, हॉलैंड लेकर गए, उसको रिहैब में भेजते ना। आप बाकियों का देखें, मैंने एक आपके शो में पहले भी मैंने आपके शो में एक बात की थी, लोगों को तब हजम नहीं हुई थी लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा, एहसान उल्लाह एक अच्छी प्रोडक्ट आ गई। जब बाकी सबका इलाज बाहर हो सकता है तो एहसान उल्लाह का ऑपरेशन पाकिस्तान में क्यों हुआ? ऐसी ऐसी खौफनाक चीजें होती हैं जिनको हम कह दें तो हम गद्दार के बड़ा मसाइल है। हाँ जी, खैर मैं और माचियों से बात करते हैं भाई, एक छोटी सी बात यहाँ फिर मैं जी, कप्तान की बात हुई ना पिछले 6-8 महीने पहले, सोचना भी ना ये ट्रेंड चला था भाई, चलवाया था अजहर कप्तान था उनके साथ ही खेला, जब अजहर को हटाया तो किसी ने ट्वीट की है सोचना भी ना, किसी ने फेवर की है। ये नजर आता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग और अपने बंदों के साथ टीम बनाई है, जो रिजल्ट सामने नजर आए हैं। जब एज अ टीम, एज अ पाकिस्तानी समझ के, पाकिस्तान की टीम को समझ के नहीं आप टीम बनाएंगे, खेलेंगे नहीं तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। वसीम भाई, आज पाकिस्तान की शिकस्त नहीं है ये मैं आपको बता दूं, ये मुर्शद की जीत है। मुर्शद ने जो काम किए हैं ना वो अभी अब इसमें मेरे बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि भाई पूछे कि कौन है क्या इससे करते हैं बात, शायद भाई हमारे साथ हैं जी। अच्छा, और ये मैं आज नहीं प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है कि ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई आपको शुएब साहब की, बासित भाई की, कामरान भाई के किसी की ओपिनियन से आपको पूरा राइट है, आप डिसएग्री करें, लेकिन भाई कोई किसी प्लेयर के हवाले से कोई बात करे तो वो गद्दार नहीं हो सकता यार। ये कोई अल्लाह माफ करे, कोई उसने कोई इस्लाम पे थोड़ी कोई बात कर दी है, एक टीम पे एक बंदे पे बात की है और विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी बात की, कोई गाली नहीं दी गई। तो भाई जवाब में जो गाली देगा मैं उसको मैं कहूंगा कि उसको शर्म करनी चाहिए, किसी को भी दे, वो बासित भाई को, कामरान भाई को, अदर भाई को, शुएब को, या किसी को भी। आप अपनी राय का इजहार करें, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब शायद भाई आप तो थे आज के इस मैच में और मुझे आपके भी तासुरात चेहरे से नजर आ रहे हैं, जाहिर है जो हम सबके हैं कि वाकई सारा मूड ही खराब हो गया। तो शायद भाई तजिया तो यहाँ पर हुआ, आपने मैच देखा, ये व्हाट वेंट रॉन्ग, ये बॉडी लाइन, यानी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, ये वो अफगानिस्तान नहीं है पाकिस्तान। आपने जब आंखों देखा हाल बताया ना, वो जो सारा मंजरनामा हमने टीवी पे देखा, आपने ग्राउंड में देखा, क्राउड में देखा, टीम को, ये क्या हुआ? वसीम, आज मैं जितना हर्ट हूं अपने पूरे करियर में इतना हर्ट फील हुआ। अरे मुझे आज पाकिस्तान की टीम इतनी बेबस नजर आई, क्लूलेस, बगैर किसी, उनके पास कोई फाइटिंग करने का तरीका ही नहीं था, इतने क्लूलेस कप्तान, इतनी बेकार बॉलिंग, इतनी खराब फील्डिंग। आज मुझे लगा कि हमारा पूरा सिस्टम ही खराब है, वही पहले से हमें पता है, लेकिन आज बहुत ही बुरी, अफगानिस्तान ने हमें बिल्कुल बेबस करके मारा है, हमें ह्यूमिलिएट किया है, हमें इतनी बुरी शिकस्त दी है 8 विकेटों की कि पता नहीं कितने दिन तक रिकवर नहीं कर पाए। मैं हमेशा किसी भी शिकस्त पे खुश होकर पॉजिटिव निकाल लेता था, मजाक करता था अपने पैनल से भी, शुएब को भी छेड़छाड़ करता था, लेकिन आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हमने अपनी बहुत सी चीज़ें बना बना कर दूसरों को दे दी, हमने अपनी एयरलाइन, हमने अमारात की एयरलाइन बनाई, आज हमारी एयरलाइन का क्या हाल है? हमने दूसरे मुल्कों को मईशत के सबक सिखाए, हमारी मईशत का क्या हाल है? हमने अपनी हॉकी दूसरे मुल्कों को सिखाई, आज हमारी हॉकी का क्या हाल है? हमने क्रिकेट अफगानियों को सिखाई, हमने क्रिकेट श्रीलंकन को सिखाई, हमने क्रिकेट बांग्लादेश को सिखाई, आज हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया कि हम अफगानिस्तान से आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी चांस पाकिस्तान का बाकी, लेकिन आज की शिकस्त के बाद मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की टीम मुस्तहिक नहीं है, किसी और की कॉज पर अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारी क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमें शिकस्त से पता नहीं हम सबक ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, हम फिर कहना शुरू कर देंगे अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में अच्छा कर लें, लेकिन हम हमेशा चादर डाल देते हैं वो पर, हम छुपा लेते हैं। अरे ये हकीकत है वसीम भाई, ये हर पाकिस्तानी का दर्द है, जो पाकिस्तानी है ना उसकी ये हालत है। और मैं हारने पे नहीं,
आप अपना वो तो करो जो काम है। यस, अभी तो सोशल मीडिया माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सुबह 4 बजे एक ट्वीट करता हूँ, इस्लामी ट्वीट होती है रोजाना, उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं बोलता वाह जी वाह क्या बात है, क्या कहूँ मैं कि रिजवान के तासुब में आप सरफराज को अपग्रेड कर रहे हैं। छोटी बात, मैं ऐसी सोचता भी नहीं हूँ, आई एम श्योर, जाहिर है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है। हम देखिए, हमारे हमारी भी गलत सोच है, हम हर चीज डाल देते हैं इंडिया पे कि इंडिया अच्छी चीज बनाएगा। अबे लड़ो ना यार, हमारे हाथ में भी तो बैठ है। कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि वो दुश्मन मुल्क है, चेयरमैन ने कहा था, तो भाई दुश्मन फिर क्या करेगा, प्लेट पे रख के देगा क्या? नहीं तो दावत के, दावत के खाने तो वही गए वो, उसे ऑर्डर करो ना। हाँ, दुश्मन मुल्क बोल के दावत है वहाँ खा रहे थे बॉस। हाँ, सही बात, ये दोस्ती यारियां हैं, सच्ची हकीकत ये है। 4-4 ओवर के बॉलर मिकी आर्थर साहब पसंद पे लिया है, शायद आदमी साहब ने भी पोस्टमार्टम करके रख दिया ना 60 सेकंड में, यार आप अपनी एयरलाइन से शुरू करें, यानी वही वाली बात है जो बासित बनेगी, सारे इदारों का बेड़ा, यानी ये एक आज के दिन का खाली स्कोर कार्ड सही अक्कासी नहीं करता ना, कि एक मैच हुआ, एक टीम अच्छा खेली, एक बुरा खेली और बुरा खेली और टीम हार गई, नहीं ये तो ये देखें ईस्ट इंडिया कंपनी, ये शायद आशमी साहब ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, ओ भाईजान ये मतलब गुस्सा भी उनको आ रहा है, पता नहीं जरा इस पे तो कहें शायद आशमी साहब, ये एक ट्वीट में पढ़ रहा हूं, मिकी आर्थर गोज इनसाइड द ड्रेसिंग रूम नाउ आफ्टर रियलाइजिंग डीजे डिडंट प्ले द पाकिस्तान। जी शायद भाई क्या कहेगा, हमें अपने क्रिकेटर्स को तैयार करना पड़ेगा, कोचेस के लिए, एकेडमी के लिए, इसलिए कि ये गोरे आते हैं, इनके अपने मकासद होते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, कहते हैं वी आर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, वी नीड टाइम, तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स भी चाहिए, हमारा सर पे खड़ा है T20 वर्ल्ड कप, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं T20 के, हमें अब T20 की तैयारी करनी पड़ेगी, हमें इन कोचेस को हटाकर हमें अपने कोचेस पे भरोसा करना पड़ेगा, जो टैलेंटेड भी हैं, जो सिंसियर भी हैं, जो पैसे लेंगे तो उसकी मेहनत करके दिखाएंगे, वो जूम पे कोचिंग नहीं करेंगे, वो दूसरी जॉब हाथ में रख के एक काम नहीं करेंगे, तो हमें अपने कोचेस चाहिए, अपने लोग चाहिए, और खुदा रहा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक भी इंटरटेनमेंट बची है, yes. अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करेंगे। वसीम भाई देखें, इसमें मैं थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, 2019 के बाद आपके पास वकार यूनुस रहे, पाकिस्तान गई थे, आपके पास मिसबाउल हक रहे, पाकिस्तान के ही रहे थे, हम सारी चीजें कोचिस में क्यों डाल रहे हैं? असल जो दादागिरी, असल जो कब्जा माफिया, असल जो दोस्तियां निभाई जा रही है, वो तो टीम प्लेयर निभा रहे हैं ना, इसमें कौन सा चेयरमैन है? पहले मुझे बात ऐड कंप्लीट कर ले, कौन सा प्लेयर है वो चेयरमैन तो नहीं आगे कह रहा ना उस टाइम पे, पावर प्लेयर क्या है कि ये प्लेयर्स जो है इन्होंने मनमानियां की है, होते हुए ना सरफराज की पावर प्लेयर्स पावर नहीं था नहीं थी सर, लेकिन सरफराज कप्तान था ना, नहीं थी सरफराज की पावर, को मुसलसल फ्लॉप होने के बावजूद कौन सा चेयरमैन खिलाया की करके बात कर, नहीं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आप कह रहे हैं प्लेयर्स पावर, तो अभी क्या चले इनकी बात सुन ले फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जब मिसबा कप्तान बना है, वकार कोच था, सरफराज कप्तान था, कोई उसमें ऐसी ग्रुपिंग नहीं थी, अच्छा सही है, बाबर तक जब थे ना जब तक ग्रुपिंग नहीं थी, जब ये गोरे आए ना, जब एहसान मानी साहब आए, जब ये ग्रुपिंग हुई है, जब तक सरफराज, मैं सरफराज का फेवर नहीं कर रहा, हाँ नहीं ठीक है आप सर, कोई मुझे बोल दे कि जब सरफराज कप्तान था अच्छा काम किया तो अगर सरफराज क्या मसला है, सरफराज के पास इतनी पावर थी ना तो ताबिश खान खेलता हुआ नजर आता टेस्ट मैच, परफॉर्मेंस पे नहीं खेला सर, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ प्लेयर्स मैनेजमेंट लेके आती है, उनके डिसीजन से आती है ये सारा, बिल्कुल मैं भी टीम के साथ 14-15 साल रहा हूँ, ये मैनेजमेंट बड़ी आसानी के साथ निकल जाती है, हमारे कोचेज आए लेकिन वो अपना दिमाग साफ करके आए, ऑनेस्ट बन के आए, जॉब करें, ना के किसी प्लेयर्स को डैमेज करने आए, उसकी रेपुटेशन खराब करने आए, उसकी रिपोर्ट गलत देने आए, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम काम हर दूसरा नहीं, प्लेयर वकार नहीं, नहीं काम हुआ, और जो शायद मैं चाह रहा हूँ एक बात करें, फिर मैं चाह रहा हूँ क्योंकि जो बड़े मसाले से बात करेंगे ना, आज के मैच और अभी के वर्ल्ड कप लेकिन चले अभी आज के प्लेयर्स में बात कर रहा हूँ, आप ये माने कि इस नहज से दो चार करने वाला वो ट्राइका है जिसके आगे आपने हथियार डाल दिए, आपने उनको लाइसेंस दे दिया कि जो चाहते हो करो, जिसको चाहते हो खिलाओ, घर से बुला के खिला लो, बगैर जो है ना फिटनेस टेस्ट लिए हुए खिला लो, उसको ले लेके घूमो, जब तक तुम्हारा दिल चाहता है तुम लेके घूमो, तुम्हारी अपनी टीम है, रिजल्ट कुछ भी आ जाए, ये अच्छा। सारी चीजें हम मैनेजमेंट में डाल के नहीं बच सकते, ये प्लेयरों की दादागिरी है, प्लेयरों की कब्जा नोटेड, ठीक है वो है, अभी इसमें हम आगे वाले प्रोग्राम में करेंगे तफसील से बात भी, अगेन कमिंग बैक आज के मैच में
आज का प्रोग्राम का टाइम बढ़ा दे अभी बढ़ गया वैसे नहीं अभी दो तीन आवाज तो आपने सुनी नहीं है जो यहाँ बैठे हैं दो घंटे कर दिया भाई उसामा मीर को खिलाओ फखर जमान को हटाओ ओजी उसको हटा दिया इसको खिला भी लिया अब देखिए क्या देखिए हमने सबने कहा था उसामा मीर को हाँ, सही, exactly. तो इसलिए कहा था कि शदाब नहीं परफॉर्म कर रहे हाँ ऑप्शन क्या है सही? जो शदाब परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपने दूसरा जो बेंच पे आपने उसी पे जाना है अब आपने क्या नहीं जो नहीं किया वो मिसिंग है कि आपने पिछले चार पाँच महीने में आपको खिलाने चाहिए थे प्लेयर और भी You know, आप लेके गए तो पासे मैंने तल से बहन के हर मैच खिलाना है क्योंकि मैच फीस बन रही है नहीं नहीं वो अपना बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट ही नहीं कर रहा को आपने टेस्ट ही नहीं किया हाँ अगर एशिया कप या उससे पहले उसको खिला लिया होता अफगानिस्तान के गेंस खिला लिया होता तो एटलीस्ट आपको पता होता ताकि आप 15 में उसको डालते ना डालते अभी आप अबरार को भी डाल लेते फिर आप कहते यार अबरार को भी डाल लिया मसला ये है कि हमने प्लानिंग नहीं की प्लानिंग का फुकदान रहा और उसका नतीजा ये नजर आ रहा है मैं ब्रेक आखिरी बात करने ब्रेक पे आना है अगर हम जो हमारी सीरीज थी अफगानिस्तान से अगर हम उसमें वो सीरीज हार जाते हाँ इतना दुख नहीं होता जितना वर्ल्ड कप हारने का हुआ है वहाँ पे नए बच्चे खिलाते ना हाँ, हिम्मत तो करते टेस्ट करते ना भाई वहाँ पे यार दम ही नहीं है ना कमजोर लोग क्या कहें तो भाई ये बहुत लेट हो गए थे अफगानिस्तान सीरीज तब तक भी देर हो चुकी थी तो ये शुएब जट का गुस्सा शाहिद हाशमी के आंसू बासित अली का तल्क रेजा कामरान मेरा तल्क रेजा नहीं है ये दिल की आवाज है ना हाँ या अजहर भाई का ये अजहर है कामी हमने थोड़ा बहुत खेला है इन्होंने ज्यादा खेला है ना तकलीफ तो होगी ना इनकी क्रिकेट उस टाइप की टॉप पे ये लेके गए इनके बैच के जो प्लेयर्स हैं ग्रेट प्लेयर्स उन्होंने हर टीम को मारा इंडिया को कैसे वह हराते थे आज तो मैं शुक्र करता हूँ इंडिया के साथ कोई सीरीज नहीं होती वरना जैसे वो भी नीचे हो जाए ब्रेक ही लेने से ब्रेक के बाद कप्तानी और दिग्गज से बात करते हैं ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान में मुकाबला अफगानिस्तान और ये है एक बड़ी ही पुरसोज पुरजोश में हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान में मुकाबला अफगानिस्तान जो कि है एक बड़ी पुरसोज दास्तान दरअसल अब हमने बैकग्राउंड की सारी बात कर ली आने वाले प्रोग्राम में भी करेंगे अब जरा बिल्कुल अब आज के मैच पे और आगे आने वाले मैचेस पे आ जाते हैं सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम यू बासित भाई हम कैप्टनसी की बात करते हैं पिछले एक मैच जो हारे उसमें शायद कामरान साहब ने अजहर भाई ने आप लोगों को जिक्र किया था कि असल डिफरेंस ही हमारे और हारने वाली टीम के दरमियान कैप्टनसी थी आज कैप्टनसी क्या रही कैसी रही आपके ख्याल में बात आज की नहीं है वसीम भाई ओके अगर आज मैच हार गए हम बोलेंगे कप्तानी तो इसको मैंने एक साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पर बात बोली थी इसको चाहिए ये बहुत बड़ा बैटर है इसको छोड़ देनी चाहिए कप्तानी खुद ही जिस तरह विराट कोहली ने किया स्टेप डाउन करा देख लें कहाँ पे है वो सही है इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी लेकिन आपको पता है ना सोशल मीडिया वाले वो अपोजिट लेते कि ये तो गद्दार है ये बाबर आजम को पसंद नहीं करता ये किसी के कहने पे बोल बट अगेन बस में अगर आज मतलब वैसे बात करें अगर तो आज भी कप्तानी में खामियां नजर आई वसीम भाई मेरे ख्याल बॉलिंग बहुत खराब कर रही है अच्छा जो एक होता है ना क्रिकेट की लैंग्वेज है कि रूम दे रहे हैं शुरू से हाँ जहाँ डंडों में बॉल विकटों में बॉल करनी चाहिए थी वहां पे रूम दे रहे हैं ठीक है अब हारिस रऊफ साहब माशाल्लाह 150 प्लस है ना स्पीड हाँ क्या फायदा है ऐसी 150 प्लस का जो आप कंटेन नहीं कर पा रहे क्या आपने चार ओवर की क्रिकेट ज्यादा खेल ली है अफसोस के ऐसा लग रहा है कि 50-50 खेलना ही मुश्किल हो रहा है हमें इतनी 20-20 की आदत हो गई सारा मसला वही है ना जो आपने भी कहा था पहले अपने आपको 10 ओवर कराने भारी पड़ गया सबको यार आप ये देखें क्रिकेट की मतलब बर्बादी उस दिन हुई है जब मिडिल ऑर्डर को आपने ओपनर बना दिया ओके और जो ओपनर थे उन्हें साइडलाइन कर दिया अब आजम खान के लिए बोलते ना मोटा है छक्के भी तो सबसे ज्यादा वही मारता है आपको हिटर चाहिए या मोटे ना होना पसंद है सही है कामरान भाई तकलीफ बात है ना इस वक्त वो दुनिया की लीग खेल रहा है और अब तो मेरा ख्याल है उसका शौक भी नहीं होगा पाकिस्तान से खेलने का कामरान भाई क्या आज के मैच में कप्तानी क्या गई है देखिए डेफिनेटली कप्तानी थ्रू आउट हम देखते हुए आ रहे हैं बात करते हुए आ रहे हैं कि मैच भी मैच बेहतर आनी चाहिए लेकिन वहीं पे एक रुका हुआ है बेहतरी की तरफ जा नहीं रहा जहाँ डिसीजन लेने चाहिए पिच को देख के बैटिंग पहले करते हुए विकेट को खेलते हुए खुद इतना बड़ा प्लेयर है तो उस हिसाब से सारी कप्तानी में आते हैं मतलब कितना क्या गलत हुआ क्या बेहतर हो सकता था कप्तानी के लिहाज से आज देखिए मैं सिर्फ बैटिंग में ज्यादा बात करूंगा अच्छा। कप्तानी ने बॉलिंग नहीं करनी होती बॉलर भी हैं प्रोफेशनल बड़े बॉलर्स हैं वो लहदा बात है सर चार ओवर्स वाले बॉलर्स हैं 10 ओवर्स वाले नहीं है जो पहले भी मैंने कहा इस वर्ल्ड कप में जितने T20 प्लेयर्स हैं ना वो सारे एक्सपोज हो गए हैं और पता चल गया उनकी एबिलिटी क्या है उनका फोकस क्या है
तो कप्तानी में मैं कहूंगा कि बैटिंग जब शुरू हुई थी वहां जब जितना जितनी देर वो खेला उसको उतने रन्स बनाने चाहिए थे जितने वो बॉल खेला, जितने बॉलों पे उसने रन्स बनाए हुए हैं, तो एक अच्छा टोटल होना था, पता चल जाना था कि वैसी विकेट नहीं है जैसे पिछले तीन मैच। तो अब्दुल्ला शफीक को बताता अपनी टीम को, एक कहता है कि भाई ये 270-280 वाला पिच नहीं, अभी तो वो कप्तान अशमतुल्ला शहीद ही समझदार कप्तान होता, उनके पेसर अच्छे होते तो ये तो 220-230 करना था, कि जो इफ्तिखार ने 40 किया, क्या शादाब ने 40-42 किया जितना में, ये वनडे क्रिकेट है, शादाब को भी 6 पे आ रहा है, इफ्तिखार 7 पे आ रहा है, ये किसी मोहल्ले की टीम मुझे लग रही है। आपसे रिलेटेड सवाल है, मैं पूछ लूं, मंजर साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसीम, बिल्कुल ठीक। मेरा क्वेश्चन कल की ट्रांसमिशन से रिलेटेड, कल कामरान अकमल ने कहा था अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग करेगा तो अफगानिस्तान करीब नहीं आ सकेगा, अब क्या कहिएगा, हम पहली बैटिंग की हमने, ऑफ कोर्स यही है उनकी जो कामयाबी है, जो उनके उन्होंने बड़ा स्कोर किया, सारा पैनल सारे इवन कमेंटेटर भी कह रहे थे कि टॉस अच्छा जीता, कि बैटिंग ही करनी चाहिए थी, पहले बैटिंग ही बनती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉलिंग वो फॉर्म में नहीं है, हमारी बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग में तो बात करें ठीक है, लेकिन क्या बैटर्स ने 282 एक अच्छा टारगेट दिया था बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए, विकेट सही तरह पढ़ नहीं पाए, विकेट जितना अच्छा खेला जितना स्पिनर्स ने बॉलिंग किया वैसा थ्रेट नजर नहीं आया, हम लोगों ने बैटिंग बहुत स्लो की है जिसकी वजह से प्राइम रिस्पांसिबल आज बैटर्स हुए या बॉलर्स हुए हमारे, मैं समझ रहा हूँ बॉलर्स थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में है, आज के मैच में मैं बैटिंग को बोलूंगा कहीं नहीं। अजहर भाई, डोंट यू थिंक पाकिस्तान हैड सो मेनी डॉट बॉल्स, बासित मैंने कहा भी था, हमसे बात भी करेंगे कि भाई डॉट बॉल्स का तो देखिए कितनी कर रहे हैं हम, डोंट यू थिंक पाकिस्तान हैड सो मेनी डॉट बॉल्स एंड वेरी लो रन रेट इन द फर्स्ट 35 ओवर्स, ऑन द अदर साइड अफगानीज वर वे अहेड ऑफ अस इन देयर बैटिंग, योर थॉट्स प्लीज बिलाल पराचा। मैं थोड़ा सा ये पिछले क्वेश्चन में कनेक्ट होता है, आई थिंक डॉट बॉल्स जब आप बॉलिंग अच्छी करते हैं तब क्रिएट होते हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की नहीं, ठीक है ना, 282 रन आप इस पिच पे कहते हैं कि यार चलो 305 हम टोटल होता हमारा 310 तो बॉलर के पास कुछ होता, 350 नहीं 350 वाला पिच तो नहीं था ये, अराउंड चले 18-20 रन और ऐड कर लें आप, सही चले बैट्समैन और अच्छा खेल लेते, लेकिन क्या हम वो सेव कर लेते जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी। हाँ, ओके ओके, मतलब कि आप होते हैं यार प्रेशर बिल्ड, उन्होंने 282 भी आराम से किया, अभी तो ओवर बाकी था और ओवर बाकी थे, हमें मेहनत करनी पड़ी बनाने, जहां पे आपको जहां पे आप प्रेशर डाला ही नहीं आपने थ्रू आउट, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ 2-3 विकेटें की बात ही ऊपर, अफगानिस्तान के लिए अगर 282 आप डिफेंड नहीं कर सकते, जो इनका मेरा हाईएस्ट रन चेज है, जी जी, यू नो हाईएस्ट एवर आई थिंक, इन्होंने कभी इससे, और पाकिस्तान की बॉलिंग, हम बॉलिंग को लेके कहते हैं यार बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है हमारी, तो अगर वो नहीं कर रही, कैप्टनसी में भी रहे हैं मसले, क्योंकि आपने आज इतना डिले कर दिया, आपसे मैच हाथ से निकल रहा था, लेकिन आपने अपने जहां फास्ट बॉलर ने थोड़ा सा प्रेशर अगर बनाया था तो आपने फिर दोबारा लेग स्पिनर लगा दिए, उसमें फिर आपको चौके लगना शुरू हो गए। और इसी से रिलेटेड सवाल आप ही बता दें भाई, जब पेसर्स के ओवर्स हैं और स्पिनर्स कुछ कारनामा भी नहीं कर रहे तो कौन 47th ओवर देता है स्पिनर्स को, बेसिकली आप कौन देता है भाई, नहीं मैं आपको कौन कौन इस वक्त ला सकता है, आपने स्पिनर को काफी बॉलिंग करा के देख ली थी, okay. फिर एक टाइम आया था इफ्तिखार ने 2 रन पे ओवर निकाला, जो लेफ्टी आए हैं, बड़ा अच्छा उसने, उसको ऐसे लग रहा था कि उसको मसला हो रहा है, अगला ओवर आप फिर शायद आपको वापस लाए, अब किसके लाए, या रिजवान के कहने पे लाए या खुद ही लेके आए, आप एक बंदे ने अच्छा ओवर किया है, लेफ्टी भी आया है, उस पर कोई प्रेशर तो डालें, ठीक है मैच हाथ से निकल रहा था, लेकिन आप एक दो विकेट लेते हैं, आप यू नेवर नो अफगानिस्तान पैनिक प्रेशर बन गया, कोलैप्स हो जाता, 7 पे भी रन रेट जाता, उनके 4 आउट होते, यू हैड अ चांस, और हमने देखा ना कल के मैच में कितना 76-7 हो गया न्यूजीलैंड, हम 36-8 थे, तो ये हो रहा है टूर्नामेंट मैच, हम बेसिकली पॉइंट्स आप एग्री करते हैं जो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वहां पे यही बात है कि आपके बेस्ट बॉलर जो उस टाइम पे यू नो शाहीन हारिस रोफ, अब उनके ओवर हमने कहाँ लेके जाने थे, वहीं पे आउट करते, वहीं पे प्रेशर बनाते, उसके बाद आपका चांस क्रिएट हो, और 47 में जो बात की है, 47 में आपका वो बॉलर बॉलिंग करता है जो एक्सपीरियंस है, जो इतने अच्छे से खेलता, वो आ रहा है कि वो जो एक नया बच्चा हो, उसामा मीर को जो जैसे बॉलिंग करवाई, आप इतने अच्छे थे, आप इतने ही ब्रेव कप्तान थे, तो शादाब को भी ले आते, इफ्तिखार को ले आते, या हसन अली को ले आते, आपने उसामा को लेके आए हैं, उनको बचा लिया, यही एक चीज हम लोग कहते हुए आ रहे हैं कि ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, बचाना एक दूसरे को, वो चीजें खत्म होनी चाहिए इस टीम को अगर ऊपर लेके जाना, वो मिसाल आज 47 ओवर में जैसे उसामा को ओवर करवाया। हाँ, और ये वक्त आ गया है, अगला सवाल है, वक्त आ गया है कि 15 मजलूम पाकिस्तानी प्लेयर्स प्लस मैनेजमेंट को बहिफाजत वापस इंडिया से लेके आया जाए, कौम और खिलाड़ियों के लिए। अब ये इस सवाल का जवाब तो मैं किसी क्रिकेटर से नहीं पूछता, खवातीन हजरात हमारे साथ आज जरा लेट हो गए आने में, और इस बात में इनके हम पैसे काटेंगे जाहिर है, खवातीन हजरात आज के प्रोग्राम में अभी भी तशरीफ लाए हैं, वन एंड ओनली मिस्टर आदि, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से? कैसे हैं आप? आपसे डर लग रहा है मुझे। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं लग रहा हूँ, आप ठीक हैं? चलें शुक्र है, आप तो ठीक हैं। मैं ठीक हूँ, बाकी लोग ठीक नहीं है। हाँ, मेरा एक सवाल है। आपका भी सवाल है? हाँ, बड़ा मेरे दिल से सवाल है, कब जीतेगा ये पाकिस्तान? मैं यहाँ आके नारे लगाता हूँ। हाँ, मैं यहाँ आके खून पसीना एक करता हूँ, जितने मेरे जज्बात हैं सब पाकिस्तान के लिए होते हैं। क्या मेरे या पूरे पाकिस्तान के किसी के भी जज्बात का ख्याल नहीं है? अगर कोचेस की नहीं सुनते, मैनेजमेंट की नहीं सुनते, तो कम से कम हर लम्हा पुरजोश देख लें, पेविलियन देख लें, हमारी टीम वही देख ले अगर, तो शायद मेरे ख्याल से कोई तो मैच ढंग से जीत ले। मुझे सबसे पहले नीतें ठीक करें, फिर जीतेंगे। नीयतें ठीक करें, इंसान के बचे बने। नहीं नहीं मतलब यार, नहीं 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 मतलब नीयत का नहीं, वो मैं अपनी बात कर रहा। अच्छा ठीक है, वो मैं अपनी बात कर रहा था। लेकिन वसीम भाई कब जीतेंगे? हाँ, ये बात, ये मेरा सवाल है, कब जीतेंगे? ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा आसान जवाब है इसका। वो क्या, अभी आप बायलैटरल सीरीज रख लें किसी छोटी टीम से तो जीत जाएंगे। बड़ी टीम की एंगेजमेंट देख के कि उन्होंने, उनके बड़े प्लेयरों ने कहीं जाना है, आप उनसे रख लें, आप जीत जाएंगे। अप्रैल में रख लें, अप्रैल में ब्रेक के बाद रख लेंगे मैच। ऑस्ट्रेलिया वसीम भाई ब्रेक के बाद। जनाब अली, कल मैच है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का, क्विकली लेते हैं कॉमेंट। आज आप प्रेडिक्शन दो, कम से कम साउथ अफ्रीका या बांग्लादेश? कल बांग्लादेश जीतेगा। अच्छा, चलो आपने कहा मत, ठीक है। हाँ जी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सर? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सर? साउथ अफ्रीका। हाँ जी, बांग्लादेश। अच्छा, हमारी टीम नहीं है साउथ अफ्रीका की। बस दुआ करें या तो बांग्लादेश जीते या साउथ अफ्रीका, ऐसा ना हो कल के मैच में ही पाकिस्तान आ जाए। सो भाई, आज का अभी हमने इसे सारी बात की, एंड टुवर्ड्स द एंड इसमें कोई शक नहीं है भाई, अफगानिस्तान की टीम हमसे बहुत अच्छा खेली है, दे डिजर्व टू विन, उनको इस बात है बहुत मुबारकबाद, उनके खिलाड़ी अच्छा खेले, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, हमें हराया, तो हम अपनी गलतियों की वजह से आ रहे हैं। ये तो हमने पिछले 50 मिनट बात ही सारी इस पर की है। एक बड़ी एक, लेकिन कहते हैं ना, जब आपको कोई बड़ी जीत नसीब हो या बड़ी चीज नसीब हो, तो वो टाइम होता है जब आप बताते हैं कि आप अंदर से कितने छोटे आदमी हैं या आप कितने बड़े आदमी हैं। तो मैं किसी नेशनैलिटी या किसी टीम के बारे में नहीं कह रहा, मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिसने जबरदस्त खेल पेश किया और उसके लिए तालियां, अच्छी बैटिंग की। लेकिन जिस बात पे वो आज जब मैन ऑफ द मैच वो उनको दिया गया, उनको इनाम दिया गया, और उसमें उन्होंने बड़े एक खास अंदाज में कहा कि मैं अपनी इनिंग्स उन अफगानी हजरात के नाम करता हूँ जिनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। यार ओ भाई, पाकिस्तान की पॉलिसी है कि कोई गैर कानूनी यहाँ पे नहीं रहेगा, हर गैर कानूनी आदमी को निकाला जाएगा, गैर कानूनी को। तो आप क्या इसकी हिमायत करने के, किसी मुल्क में कोई गैर कानूनी रहना चाहिए क्या? इस मुल्क ने 30 साल 30 लाख लोगों को भाइयों की तरह रखा है, तो आपको बड़ी जीत के बाद कम से कम इतनी छोटी बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई शर्म होती है, कोई तो हया होती है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।